नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख संत कवियों की तथ्यात्मक जानकारी हम देख रहे थे। इसमें हमने 6 संत कवियों का अध्ययन कर लिया था। अगला कवि है मलुकदास। मलुकदास के गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। क्या नाम था? पुरुषोत्तम। पिता इनके सुंदरदास थे। सुंदरदास जो कि दाऊदयाल के शिष्य हैं। आलसियों का महामंत्र देने वाले संत मलुकदास के बारे में फेमस है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आलसियों का महामंत्र किसने दिया? आलसियों का महामंत्र, तो महामंत्र आलसियों का देने वाले जो कवि थे, जो प्रमुख संत कवि हैं, वो हैं मलुकदास। अजगर करे न चाकरी, ये जो पंक्ति है ये मलुकदास की है। ये पंक्ति देकर भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये पंक्ति की रचयिता कौन है? अजगर करे न चाकरी। रचना है इनकी ज्ञान बोध रतन खान, भक्त वच्छावली, रामावतार लीला, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और अगला कवि जो है वो हम ले लेते हैं सुंदरदास को। सुंदरदास के गुरु का नाम दाऊदयाल आ गया, जिसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। ये आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद का इनको अच्छा ज्ञान था। रचना इनकी 42 मानी जाती हैं। 42 रचनाएं प्रसिद्ध है। ज्ञान समुद्र कई बार पूछा गया है इस रचना के बारे में। ज्ञान समुद्र की रचयिता हैं सुंदरदास। सुंदर विलास, ये नाम से भी पता चल सकता है या हम अंदाजा लगा सकते हैं, सुंदर विलास सुंदरदास के द्वारा रचित होगी। सुंदर ग्रंथावली के संपादक, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सुंदर ग्रंथावली इसके जो रचनाकार हैं वो हैं हरिनारायण शर्मा इसके रचयिता माने जाते हैं। अगला जो कवि है वो हम लेते हैं रज्जव। रज्जव के बारे में हम देखते हैं कि जो इनकी प्रमुख रचना थी वो सबंगी है, जिसका दूसरा नाम सर्वंगी भी हो सकता है। ये रज्जव के द्वारा रचित रचना है। इनके बारे में प्रमुख जो बात है, जो तथ्य है, वो ये है कि ये आजीवन रज्जव जो थे, आजीवन दूल्हे के वेश में, आजीवन दूल्हे के वेश में इन्होंने अपना जीवन यापन किया था। तो यहीं से बार बार प्रश्न पूछा गया रज्जव के बारे में कि आजीवन दूल्हे के वेश में जीवन यापन करने वाले जो संत थे वो कौन थे, तो वो हैं रज्जव। अगला जो है संत कवि वो है अक्षर अनन्य। दुर्गा सप्तसती का हिंदी में अनुवाद करने वाले हैं अक्षर अनन्य। इनकी और रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, अनन्य प्रकाश। अगला जो कवि है, अभी कुछ छोटे छोटे कवि हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन जो भी जहाँ से प्रश्न पूछा गया इनके बारे में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला कवि है बाबा लाल। गुरु चैतन्य स्वामी हैं इनके। रचना असरादे मार्फत। दारा शिकोवा वार्तालाप संग्रह है असरादे मार्फत। अगला कवि है गुरु अंगद। नानक देव की रचनाओं का संग्रह किया था। इनके बारे में यही प्रश्न पूछा गया है कि नानक देव की रचनाओं का संग्रह किसने किया था, तो गुरु अंगद ने किया था। अगला कवि है गुरु अर्जुन देव। फेमस है, सिखों के गुरु माने जाते हैं ये अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में जो प्रमुख बात है वो है कि गुरु ग्रंथ साहब में इनके 6000 पद संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहब में। इनकी रचना है सुखमनी, बारहमासा, 52 आखरी। ये इनकी प्रमुख रचना है सुखमनी, बारहमासा और 52 आखरी। अगला है लालदास। इनकी प्रमुख रचना है लालदास चेतावनी। अगला है जम्बनाथ, विष्णु संप्रदाय के की स्थापना करने वाले हैं जम्बुनाथ। इनको जम्बोजी भी कहा जाता है, जम्बोजी के नाम से फेमस है ये। तो विष्णोई संप्रदाय की जो स्थापना करने वाले हैं ये हैं जम्बनाथ या जम्बोजी। अगली कुछ संत कवित्री है जिसका नाम है बाबरी साहिबा। फेमस है, एकमात्र मुस्लिम संत होने के कारण से ये ज़्यादा प्रमुख हैं। मुस्लिम संत महिला जिनका नाम है बाबरी साहिबा। बाबरी पंथ की स्थापना की थी। तो ये थे प्रमुख संत कवि। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।